मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की ताजी ताजी सुबह के साथ मैं नहा धो के रेडी इसलिए हो गई हूँ क्योंकि हमें आज वाटर एक्टिविटी करने के लिए जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो रात को तो बारिश होती ही है, फिर दिन में धूप आ जाती है, तो फिर हम लोगों ने वाटर एक्टिविटी आज सिलेक्ट कर ही दिया है और आज हम लोग जाने वाले हैं फिफ्थी आइलैंड। और एक नई बात ये भी है आज के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब बालकनी में आई तब देखा कि आज हाई टाइड था और यहाँ पर हाई टाइड का जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले यहाँ पर वहाँ तक अगर अंदर जाते थे वहाँ तक रेत रहती थी, अभी देखो पूरा ढक गया है पानी से। तो यही आज का एक नया मुझे आज देखने को मिला है यहाँ पर कि किनारे से बहुत ही बाहर पानी आ गया है और ये हाई टाइड रात दोपहर तक तो कम हो जाता है पानी, फिर वो वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। चाय नाश्ता सब कुछ खत्म करके ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल चुके हैं घूमने के लिए। बीच का आज पूरा प्रोग्राम है हमारा, तो मैं अर्पित आमिन सब लोग हम लोग निकल चुके हैं और देखिए पीछे हरियाली वाला रास्ता है पूरा। वेरी गुड, हम लोगों को बैंड दे दिया गया है और साथ में ऐसी चीजें दी है जिसे आमिन खिलौना समझ रहा है। आमिन से बड़ी तो उसकी ये ट्यूब है, है आमिन? हाँ, फिर भी उठा के चल रहा है ना। अभी मैंने और अर्पित ने तो यहाँ पर भी शॉपिंग करी है हमारे यहाँ पर भी चाय नाश्ते का पूरा सेटअप था, बट हम लोग होटल से ही चाय नाश्ता कर आए थे, उसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी चाय नाश्ता नहीं किया है, बट आमिन के लिए एक आइसक्रीम ली थी। अभी हम सब बीच पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो भी हमें एक्टिविटी करनी है गाइड करेंगे उस तरीके से हमें करनी है। आमिन कहाँ रह गया, ये रहा। बहुत गर्मी है, पसीना बहुत हो रहा है और हम लोग बोट में बैठ चुके हैं। वहाँ से ऐसी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हमें ऊपर तक जाना है और घूमना है। चारों तरफ का बढ़िया सा नज़ारा है, दरिया के बीच में एक छोटी पहाड़ी है। इतना गजब का नज़ारा प्रभु ने बनाया है और आज हम लोग ये यहाँ पर आए हैं तो बहुत ही खुशी हो रही है। मैं दिखा रही हूँ मेरे बच्चे को, ये देखो ये कितना ही इंजॉय कर रहा है।
और घूम रहा है कहाँ जंगलों में थाईलैंड के और अर्पित यहाँ आगे जा रहे है, अर्पित को फॉलो कर रहा है आमिन और आमिन को फॉलो कर रही हूँ मैं, है ना। अभी ये आइलैंड की खूबसूरती के बारे में तो आप खुद ही देख लीजिए कितना प्यारा है, और इसकी वाइट सैंड भी उतनी अच्छी लग रही है, और बहुत ही सुंदर बीच है, और इसमें हल्की सी बारिश भी हो रही है, और देखो आमिन और उसके पापा भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं माया वे पर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट, हम लोग को बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं तो मुझे वो याद आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ये पेड़ जड़ों के हिसाब से कुछ कुछ टाइम पे चलते हैं। तो और यहाँ के नज़ारे की तो क्या बात ही करूं मैं, देख सकते हो आप कितना सुंदर जंगल जैसा रास्ता है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। हल्की सी बारिश है उसकी वजह से गर्मी भी ज़्यादा नहीं लग रही है, और जंगल में भी एक छोटा सा मंदिर है शायद बुद्ध भगवान का हो ऐसा लग रहा है। अभी हम लोग वहाँ से वॉक करके यहाँ वॉशरूम तक आए हैं, आप लोग सोचो कि मैं वॉशरूम की क्या चीज़ बताती हूँ, बट यहाँ पर ऐसा पानी का टिंगलिंग थोड़ा भरा हुआ है जिसमें हम पैर डुबो के जाते हैं तो वो जो सैंड आती है वो सारी धुल जाती है, तो यहाँ वॉशरूम जल्दी गंदा नहीं होता है, तो बहुत ही अच्छा छोटा सा है बट बढ़िया आइडिया मुझे लगा है ये। क्यों लागे छे मजा આવે છે આઈએ તું પણ આમેન ના લીધે આપણે બેઉ સાથે નહીં જઈ શકતા ઓકે બાય ગો 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 સી યુ ટુમોરો નો ઇન 10 મિનિટ अभी आमिन का बारी है, ये रो रहा है बेचारा थोड़ा क्योंकि उसको ये लाइव जैकेट पसंद नहीं है पहनने का, जबरदस्ती पहना है इसलिए वो रो रहा है। ये गया मेरा बेटा। आमिन वेरी गुड वाह वाह चलो Take him, take him.
जो डैडी जो जो डैडी जो जो डैडी हाय टाटा ये आई डन थैंक यू अर्पित अभी जाने की ट्राई कर रहे हैं वहां पर। अर्पित हो ये पैरी में जाओ बस पता क्यों फिनिश हो गया है टाइम इसलिए अर्पित वापस आ रहे हैं। ये मंकी की मॉम है और इसके बच्चे हैं। गहरे पानी में आमेन गया है और इंजॉय कर रहा है वो।
सकते हो। इतना घूम रहे हैं और इतनी लंबी लंबी एक्टिविटीज हैं यहाँ की, तो शायद ये वीडियो दो पार्ट में आएगा, है ना अर्पित? दो पार्ट में, शायद नहीं दो पार्ट में। हाँ ये हिस्ट्री की नहीं है, वो अपने पॉलिटिशियन करते हैं ना, वो वोटिंग देने के बाद यूं करते हैं, जीतने के बाद यूं करते हैं। हम कहते हैं दो पार्ट में आएगा भाई। बहुत ही मजा कर रहे हैं हम लोग। आमिन को ये भी जितना पसंद आया है ना कि वो रो रहा है वहाँ जाने के लिए वापस, कि चलो ये बीच में जाना है।